हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रिजवान आप सभी का दिलचस्प टाइम सुपर में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ और वो है विसर्ग संधि। जिस तरीके से व्यंजन संधि और स्वर संधि का रिस्पांस मिला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अगली संधि लेकर के आया हूँ और वो है हमारी विसर्ग संधि। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो होगा विसर्ग संधि को समझने के लिए, कि विसर्ग संधि में पाँच नियम होते हैं, खास तौर पर पाँच, और उन पांचों का निचोड़ जो है, परिणाम जो है, वो होता है ओ रा शा सा सा। अगर हमें ओ रा शा सा सा पता होता है तो उम्मीद है विसर्ग संधि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, विसर्ग संधि बोलते किसे हैं, विसर्ग संधि बनती कैसे है? तो बताएंगे, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उसी को हम विसर्ग संधि बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विसर्ग का ओ कब होता है? सबसे पहला नियम, विसर्ग का ओ कब होगा? तो बताते हैं कि जब विसर्ग के पहले आ आए। अब सवाल ये उठता है कि विसर्ग के पहले आ कैसे आएगा, तो यहाँ पे जानने वाली बात होगी। जैसे हमने लिखा पा, अब पा का जब वर्ग विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पा हलंत आ, और उसके बाद में फिर ये विसर्ग आपका आ रहा है। तो यहाँ पूछा जाए कि विसर्ग में क्या आ रहा है, तो बताएंगे विसर्ग के पहले आ आ रहा है। फिर से देख लेंगे, ये आपका आ बनेगा, उसके बाद में फिर विसर्ग आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, विसर्ग के पहले आ आता है। अगर यहाँ पे हमने लिखा पी, ये आपका पी आ गया, तो अब विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, पा आ रहा है कि ई आ रहा है? तो इसका वर्ग विच्छेद कर लेंगे तो पा आएगा, उसके बाद में ई आएगा, फिर उसके बाद में विसर्ग आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि विसर्ग के पहले ई है। जैसे कुह आ गया, तो कुह के पहले क्या है, कुह विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के पहले का है या उ है, तो वहां पर रिप्लाई आएगा उ है। और जैसे हमने कहा जी, जी विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ई आएगा। तो इसी बात को हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे बताया विसर्ग के पहले आ आ जाए, हरस्व आ होगा, और इसका मेल जब किसी आ से हो जाए, यानी कि हरस्व आ से, या फिर वर्ग, हर वर्ग का तीसरा गा जा डा धा भा, और वर्ग का चौथा घा जा डा धा भा, पांचवा अंगा या अरानामा, या फिर यारा लावा हा से हो जाए, तो विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा, यानी कि विसर्ग को ओ हो जाएगा। विसर्ग के पहले आ आए, बाद में भी आ आए, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर यारा लावा हा आए, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। इसी एक और तरीके से देख लेते हैं, विसर्ग के पहले आ, जैसे पाह जह सह तह, इस तरीके से कुछ भी आएगा तो विसर्ग के पहले आ आ रहा है, और उसके बाद में देखेंगे इसका मेल किससे हो रहा है, आ आ जाए, गा जा डा धा आ जाए, घा झा ढा धा आ जाए, अंगा यारा नामा आ जाए, या फिर यारा लावा हा आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे विसर्ग का ओ हो जाएगा। ये आपका विसर्ग, विसर्ग का ओ हो जाएगा। जब विसर्ग का मेल विसर्ग के पहले आ हो, बाद में आ हो, और उसके बाद में सेम चीज है, गाजर दबा गाजर दबा अंगा यारा नामा या फिर यारा लावा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। ऊपर वाला नियम है सेम, इसको समझाने का प्रयास इस प्रकार से किया गया। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने बताया था उदाहरण, ये देखेंगे नह, नह में आ है कि ई है, तो नह में आ है। अब यहां पे देखेंगे मना धन अनुकूल, पहला नियम विसर्ग के पहले आ, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में बताया अनुकूल, विसर्ग के पहले बाद में आ आ रहा है, तो अब इस विसर्ग की जगह पे, इस विसर्ग की जगह पे ओ करना है, ये विसर्ग का ओ हो रहा है, तो मना धन अनुकूल मनोनुकूल, तपह धन बल तपोबल, मना धन रथ मनोरथ, पयाह धन दा पयोध। यहाँ पे ध्यान देंगे विसर्ग के पहले आ है, बाद में बा आ रहा है। अब देखेंगे कि बा कहाँ पे आता है, बा जो है वो वर्ग का तीसरा है। यहाँ पे विसर्ग के पहले आ है, बाद में रा है, रा वर्ग का कौन सा वर्ण है, देखेंगे अंतस्थ के अंतर्गत आता है ग्यारह लावा। उसके बाद में पयाह धन दा, दा किसके अंतर्गत आ रहा है, ये भी आपका वर्ग के तीसरे के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारे विसर्ग का पहला नियम, जिसे हम ओ बोलते हैं, विसर्ग का ओ का नियम कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हमारा आता है फिर रा का नियम, देखेंगे। बताया विसर्ग के पहले जब ई उ हो, ई उ हो और उसके बाद में विसर्ग हो, विसर्ग का मेल फिर जब हो जाए किसी आ के साथ में,
यानी कि यहाँ पे दीर्घ आ आ रहा है, विसर्ग के पहले ई उ हो, बाद में आ हो, या फिर गाजा डबा हो, घाजा डबा हो, अंगा यारा ना मा हो, या फिर यारा लावा हो, तो वहां पे विसर्ग का र हो जाएगा। सेम चीज अगर हमारा पहला क्लियर हो जाता है तो दूसरा 100% क्लियर हो जाएगा। विसर्ग के पहले ई उ हो, बाद में आ आए, तीसरा गाजा डबा आए, चौथा घाजा डबा आए, पांचवा अंगा यारा नामा आए, या फिर अंतस यारा लावा आए, तो विसर्ग को रा हो जाएगा, विसर्ग को रा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे उदाहरण नी, विसर्ग के पहले ई आया हुआ है, ये पहली शर्त पूर्ण हुई। उसके बाद में आशा, आ आ गया, तो ई और आ, ध्यान देंगे विसर्ग के पहले ई है और बाद में आ है, तो यहाँ पे विसर्ग को रा में बदला जा रहा है, हो गया निराशा। फिर है निह धन बल, निर्बल, दुह धन जन, दुर्जन, दुह धन बल, दुर्बल, दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ पे देखेंगे विसर्ग के पहले उ है, बाद में भी उ है, तो इस तरीके से क्या हुआ, विसर्ग को रा हो गया, दुरुपयोग हो गया। अब रा के बाद में हम इसके तीसरे नियम पे आते हैं, शा, शा का नियम क्या बोलते हैं, विसर्ग का मेन जब चा चा शा में से किसी भी वर्ण से होता है तो विसर्ग को शा हो जाएगा। विसर्ग के बाद में चा छा शा आए, विसर्ग के पहले कुछ भी हो सकता है, बाद में चा छा शा आएगा तो विसर्ग का शा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लेंगे उदाहरण, निह धन चित, चिंत है तो हो गया निश्चिंत, निह धन छल निश्चल, दुह धन शासन दुशासन, तो इस तरीके से विसर्ग के बाद में जब चाचा शा आएगा तो विसर्ग को शा में बदल देंगे। फिर आया विसर्ग के पहले ई उ आए, क्या आएगा, ई उ आएगा और बाद में का खा टाठा पाफा में से कोई भी वर्ण है, ध्यान देंगे विसर्ग के पहले ई उ हो, बाद में का खा टाठा पाफा में से कोई भी वर्ण होगा तो विसर्ग को सा में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, सा में, षटकोण वाला सा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे निह धन कपट, पहला नियम विसर्ग के पहले ई आ रहा है और बाद में का आ रहा है, ये दूसरी शर्त पूर्ण हुई, विसर्ग के पहले ई और बाद में का, तो निधन कपट निष्कपट हो गया, निधन ठुर निष्ठुर, निधन प्राण निष्प्राण, निधन कंटक निष्कंटक। तो इस प्रकार से हमारी विसर्ग संधि का लगभग आधा से ज्यादा नियम पूर्ण हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।